अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, महकमा फलकियात ने चांद की पैदाइश का अंदाज़ा लगा लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार भी महकमा फलकियात ने चांद की पैदाइश का अंदाज़ा लगाकर बताया था कि इस बार 29 रोजे होंगे, जो कि महकमा फलकियात की पेशगोई बहुत दुरुस्त साबित हुई थी। इस बार भी महकमा फलकियात का कहना है कि चांद 20 अप्रैल की शाम को नजर आएगा। 21 अप्रैल को पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ईद से पहले मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 17 तारीख से पहले पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह जारी की जाए, ताकि मुलाजमीन भी ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो सकें और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते और शॉपिंग का मुकम्मल सामान खरीद सकें। आपके ख्याल में क्या सरकारी मुलाजमीन को एक एक इजाफी तनख्वाह दी जानी चाहिए या नहीं? आप लोगों ने अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।